नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम कुएम्बू यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के पाठ्यक्रम को सिलेबस को देखेंगे। आप सब जानते हैं, हमको मालूम है कि इस कक्षा के लिए अनुवाद रखा गया। अनुवाद में सैद्धांतिक और प्रायोगिक होता है। प्रायोगिक तो इससे पहले आ गए हैं, अब सैद्धांतिक अनुवाद हम देख रहे हैं। सैद्धांतिक अनुवाद में हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, क्या देख रहे हैं? हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद देख रहे हैं। इस अनुवाद में प्रश्न कैसे होता है? निम्न परिच्छेद को कन्नड़ में अनुवाद कीजिए 10 अंक। 10 अंक का प्रश्न होता है। एक परिच्छेद देते हैं, पैराग्राफ देते हैं हिंदी में, उससे क्या करना है, कन्नड़ को अनुवाद करना है, या हो सके तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। जिन जिनको अंग्रेजी आता है वो अंग्रेजी में भी ऑप्शन रखे रहते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ केवल कन्नड़ में कैसे किया जाता है उसे देखेंगे। उससे पहले अब हिंदी का परिच्छेद देख लेंगे। हिंदी का एक परिच्छेद नमूने के तौर पर यहां ऐसे है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। परिच्छेद है, सहकार मनोभाव से स्थापित संस्थाओं को सहकारी संघ कहते हैं। सहकार मनोभाव से स्थापित संस्थाओं को सहकारी संघ कहते हैं। हमें विविध चीजों की जरूरत होती है, इसलिए या तो हम उनका उत्पादन करते हैं या उपभोग करते हैं। उत्पादक और उपभोगकर्ता अपने अपने सहकारी संघों की स्थापना करके उनसे लाभ पा सकते हैं। इस तरह हिंदी में दिया जाता है। कैसे? सहकार मनोभाव से स्थापित संस्थाओं को सहकारी संघ कहते हैं। हमें विविध चीजों की जरूरत होती है, इसलिए या तो हम उनका उत्पादन करते हैं या उपभोग करते हैं। उत्पादक और उपभोगकर्ता अपने अपने सहकारी संघों की स्थापना करके उनसे लाभ पा सकते हैं। इसके साथ और भी थोड़ा है, ये इस स्लाइड में देखते हैं। तो अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि उत्पादक सहकारी संघों का ध्येय क्या है। उत्पादक सहकारी संघों का ध्येय क्या है? उत्पादन पर कम से कम खर्च करना, उत्पादित वस्तुओं के लिए योग्य दाम पाना और अधिक से अधिक लाभ पाना। फिर आगे देखते हैं, सस्ते से सस्ते दामों पर चीजें खरीदना उपभोक्ता सहकारी संघों का ध्येय होता है। सस्ते से सस्ते दामों पर चीजें खरीदना उपभोक्ता सहकारी संघों का ध्येय होता है। यह संघ बड़े पैमाने पर चीजें खरीदता है, इसलिए चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। ये दोनों संघ दलाल की सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं, दोनों एक ही परिच्छेद है, पैराग्राफ है। दूसरे स्लाइड में क्या है, उत्पादक सहकारी संघों का ध्येय क्या है? उत्पादन पर कम से कम खर्च करना, उत्पादित वस्तुओं के लिए योग्य दाम पाना और अधिक से अधिक लाभ पाना। सस्ते से सस्ते दामों पर चीजें खरीदना उपभोक्ता सहकारी संघों का ध्येय होता है। यह संघ बड़े पैमाने पर चीजें खरीदता है, इसलिए चीजें सस्ते दामों पर मिलती है। ये दोनों संघ दलाल की सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इसे क्या करना, इस तरह पहले पढ़ लेना।
पढ़ के अगर इसमें कोई मुश्किल के शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, तो उनको क्या करना है, पहले कैसे अनुवाद करना है उसे देख लेना है, उसके बाद पैराग्राफ अनुवाद करना शुरू करना है। अब इस पैराग्राफ को, दोनों जो स्लाइडों में हमने देखा, उस पैराग्राफ को किस तरह अनुवाद कर सकते हैं देखेंगे। कन्नड़ में अनुवाद है, उत्तर है ये। अब यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कन्नड़ में किस तरह अनुवाद किया गया है। अब उसे मैं पढ़ता हूं, देखो सुनिए। सहकारी मनोभावद मेले स्थापने गुंडिर्व संस्थेगळिगे सहकारी संघ एन्नुत्तारे। क्या है? सहकारी मनोभावद मेले स्थापने गुंडिर्व संस्थेगळिगे सहकारी संघ एन्नुत्तारे। नमगे विविध वस्तुगळ आवश्यकते इरुत्तदे, आद कारण नावु अवुगळ उत्पादने माडुत्तेवे ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ತರ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜೊ ಪಹಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಅನುವಾದ ಐಸೆ ಹೈ ಕೈಸೆ ಸಹಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ ಅಗಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ದೇಖೆಂಗೆ. ಆಪ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಜೋ ಅಗಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಅನುವಾದ वो है, मैं अब पढ़ता हूं सुनिए। उत्पादक सहकारी संघगळ गुरि एनु, उत्पादनेय मेले आदष्टु कड़मे खर्चु माडुवुदु, उत्पादित वस्तुगळिगे योग्य बेले पडेयुवुदु मत्तु हेच्चु हेच्चु लाभ पडेयुवुदु। उत्पादक सहकारी संघगळ गुरि आदष्टु कड़मे बेलेगे वस्तुगळन्न खरीदिसुवुदु। ई संघवु दोड्ड प्रमाणदल्लि ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಘಗಳು ದಲ್ಲಾಳಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ತರ ಜೋ ಅಗಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೈ ದೂಸರಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಥಾ ಉಸ್ಕಾ ಅನುವಾದ ಐಸೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕೈಸೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಗುರಿ ಏನು? ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು. ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಗುರಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಘವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಗಳು ದಲ್ಲಾಳಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಇಸ್ ತರ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಐಸೆ ಹಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ತರೀಕೆ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಆಪ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಯಾನಿಕೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಜೋ ಹೈ ಉಸೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ, ಕನ್ನಡ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಉಸೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ತಬ್ ಜಾಕರ್ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಪೂರಾ ಸಿಖ್ ಲೇತೆ ಹೈ. ಠೀಕ್ ಹೈ, ಧನ್ಯವಾದ್.